सावन के कृष्ण पक्ष अमावस्या में मनाए जाने वाला हरेली पर्व राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में पारंपरिक तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में हरेली पर्व की धूम है। अंचलों के अलावा शहर में यादव समाज के लोग घर के मुख्य दरवाजा और वाहनों पर नीम की डालियां बांधकर पर्व की बधाई देते हैं। इसी तरह विश्वकर्मा समाज के लोग दरवाजे पर कील लगाते हैं और निषाद समाज जाली का टुकड़ा बांधकर इस पर्व की बधाई देते हैं। मान्यता है कि इससे बुरी आत्माओं से घर की रक्षा होती है। राजधानी स्थित सीएम हाउस में हरेली पर्व का उल्लास देखते ही बना। सीएम भूपेश बघेल ने सीएम हाउस में कृषि उपकरणों की पूजा की। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गायों को तिलक लगाकर चारा, अन्न और कलेवा खिलाया। सीएम हाउस में पारंपरिक गीत संगीत का भी आयोजन किया गया था। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के राजकीय वन पशु वन भैंसा के चित्र का भी अनावरण किया। सीएम भूपेश बघेल ने गेड़ी भी चढ़ी। इसके बाद उन्होंने नीम पत्तियों को चौखट पर लगाया और भौरा भी चलाया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, गोधन न्याय योजना के तहत हर गांव में गोठान समिति और स्वयंसेवी समूह बनाए जाएंगे। लोगों से 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा। गोबर से बनने वाली वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा। मुख्य रूप से वर्मी खाद 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सरकार द्वारा खरीदी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनएक्स टीवी, रायपुर। हरेली त्यौहार के पावन अवसर पे आप सब लोग गाढ़ा गाढ़ा बधाई। हमारे छत्तीसगढ़ में नवा बच्चर के पहली त्यौहार अविला गांव-गांव में सब किसान मन, मजदूर साथी मन सब मिलजुल के मनाते। जी हाँ, गौधन के पूजा होते, उन्हें हमार कृषि यंत्र मन के भी पूजा होते। चीला और बोबरा चढ़ाए जाते। राउत पहाटिया मन है घर घर जाके नीम के डारा खोसते। मवेशी मन ला लोंदा खवा थे, उनमें कुछ जड़ी बूटी भी रहते ताकि कोई प्रकार की बीमारी हमारे पशुधन ला मत होए। साथ ही नीम जिनके जेकर धुआं से जते कीटाणु है तेकर नाश होते, अवकर स्थिति प्रत्येक घर में गोर्रा में नीम के डारा खोचे जाते। ये हमार परंपरा छत्तीसगढ़ के प्रकृति के साथ साथ ओकर जतेक भी हमार कृषि यंत्र है, पशुधन है, ओकर पूजा के साथ साथ शुद्धता के भी ध्यान रखे गए है। ते पहले त्यौहार के सबो छत्तीसगढ़वासी मतलब बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आज छत्तीसगढ़ में ये पहली सरकार जिन्हा गोधन न्याय योजना की शुरुआत आज करीस। ये गोधन न्याय योजना जमें प्रत्येक गांव में गौठान बनाना है और गौठान समिति भी बनी, स्व सहायता समूह भी रही और उकर माध्यम से प्रति किलो 2 रुपये के हिसाब से गोबर खरीदे जाए और उकर गोबर से जतेक भी वस्तु बनते तेकर निर्माण भी किए जाए, जिसमें प्रमुख रूप से वर्मी खाद जेला 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से शासन खरीद ही। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला सुधारे के दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना, जहाँ गोबर खरीदे से लोगन मन के आमदनी बढ़ी, उन्हें चरी चरागन खुलम होत रही से तीनों बंद हो ही, फसल हम बरसात के फसल नहीं बचा पाते हैं, अब हम 2 फसल और 3 फसल भी ले सका थन। सड़क में जिन एक्सीडेंट होत रही, दुर्घटना होत रही से ओकरों से बचत हो ही और साथ ही हमारे कृषि के उर्वर
जिन जमीन है भूइया है हमार तेकर उर्वरा शक्ति बढ़ी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के उपयोग कम होई ओकर से हमार जिन अनाज है फल है सब्जी है ये शुद्ध होई तो बीमारी भी कम होई। तो एक कार्य से अनेक दिशा हमन छुआ थन हर ऐसे ये कृषि गोबर खरीदे से बहुआयामी हमारे कार्य होई एक काम करे से बहुत अकन बात सधी और ओकर लाभ पूरा हमारे छत्तीसगढ़ ला मिली छत्तीसगढ़ के किसान छत्तीसगढ़ के मजदूर और वो व्यक्ति जेकर कर जमीन भी नहीं है जेकर आय के कोई स्रोत नहीं है यदि चाटक भी गरबा है तो कर 1,500 से 2,000 रुपया के हर महीना वो गोबर बेच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में हरेली तो वैसे भी किसानों का पहला पर्व माना जाता है और पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी ने हमारी सांस्कृतिक परंपरा हमारी त्योहारों की विरासत और छत्तीसगढ़ के समृद्ध कला और जिस तरीके से हमारा किसानों से धरती से जुड़ करके करने का कार्यक्रम होता है उन्होंने संपूर्ण प्रदेश में निर्देश दिए थे और प्रशासन के स्तर पे भी हम लोगों ने हरेली मनाया था। सारे प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में गए थे और गौठान योजना की जब हम लोगों ने सूत्रकात किया था आज बहुत सौभाग्य से माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे सारे हिंदुस्तान में ये महती योजना की शुरुआत हो रही है। हम गाँव में गोबर खरीदने जा रहे हैं और 2 रुपया किलो हर किलो गोबर का हम कीमत देंगे। गौठान समितियां इसको खरीदेंगी और उसके बाद गौठान में इसका वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे उसके बाद इसमें कई प्रकार के हम लोग बायो प्रोडक्ट बनाएंगे। आत्मनिर्भरता की दिशा में ये छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा कदम है। 4-5 बातें सीधे इससे सबसे पहले तो गोधन की रक्षा होगी नंबर एक। दूसरा किसानों से सीधा जोड़ा जाएगा नंबर दो। वर्मी कंपोस्ट बनाकर ऑर्गेनिक खेती को हम बढ़ावा देना चाहते हैं नंबर तीन। गांव के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है और जो हमारे किसान भाई हैं उसको सीधा रोजगार से इससे जोड़ना चाहते हैं नंबर चार। पांचवी बात ये है कि जब आत्मनिर्भर हमारा गांव बनेगा तो इससे लाभ ये होगा कि फसलों की चराई बंद होगी गोधन की जब रक्षा होगी। और छठवीं बात ये है कि हमारे चरवाहा जो हमेशा से वंचित वर्ग हुआ करता था उसको सीधा जोड़ने का प्रयास हुआ है तो चरवाहा को गोठान से सब सीधा जोड़ेंगे जब सीधा जोड़ेंगे तो उनको भी बहुत आमदनी होगी उसको स्वावलंबन की दिशा में उसको आय होगी। और उसके अलावा भी इस पूरी योजना में हमारी छत्तीसगढ़ के गाँव की जो आत्मनिर्भरता है उसको जोड़ करके देख हम लोग देख रहे हैं। बापू का जो सपना था आत्मनिर्भर भारत का वो गाँव में बसा हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी ने जिस योजना की शुरुआत की है गोधन न्याय योजना मैं समझता हूँ गरीबों के लिए इससे बड़ा न्याय कुछ नहीं हो सकता। आपको लगेगा कि जिसके पास 1 एकड़ भी जमीन नहीं है लैंडलेस जो किसान हैं वो भी अगर गोबर कलेक्ट करके या उनके घर में 2 या 3 गैया है उसका गोबर अगर गोठान में ला करके बेचता है तो आप अंदाज लगाइए को 2,000-2,500 से लेकर के 5 से 6 हज़ार रुपया प्रति माह अर्जित करने का अधिकारी हो जाएगा। तो गरीबों के लिए भी इससे बड़ी योजना की कल्पना आप नहीं कर सकते। और आज हरेली के पर्व पे श्रावण का सोमवार है मुख्यमंत्री जी ने इस इतनी बड़ी योजना का शुरुआत अभी हम उनके हाथों करने जा रहे हैं और संपूर्ण प्रदेश में सभी प्रभारी मंत्रियों को सभी संसदीय सचिवों को जिला अधिकृत करके ये जिम्मेदारी दी गई है। मैं ऐसा समझता हूँ कि किसानों के लिए इससे बड़ा कदम क्या हो सकता है। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए हम लोगों ने पहले धान खरीदी 2500 रुपया क्विंटल दिया अपने आप में और छत्तीसगढ़ के किसानों के आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम था। हमने किसानों के लगभग 10,000 करोड़ के कर्ज माफ किए ये उससे भी बड़ा कदम था। हमने सिंचाई टैक्स 260 करोड़ किसानों की छूट दी ये उससे भी बड़ा कदम था। लेकिन ये जो गोधन न्याय योजना है राजीव गांधी न्याय योजना के बाद डायरेक्ट किसानों को गरीबों को उनके खातों में जो राशि जाएगी ये अपने आप में एक बहुत महती योजना है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इस योजना से पूरा छत्तीसगढ़ के गांव लाभान्वित होने वाले हैं। अब आपने किसानों की बात कही तो एक और बात है हमने लगातार केंद्र सरकार से आग्रह किया है
कि हमारे छत्तीसगढ़ में हमारा धान का उत्पादन बढ़ा है, हमारी खरीदी बढ़ी है, चावल का उत्पादन बढ़ा है। आदरणीय खाद्य मंत्री जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, वहाँ दिल्ली से हम लोगों ने चावल और धान पे आधारित एथेनॉल बनाने के प्लांट के लिए अनुमति मांगी है। केवल अनुमति, पैसे की भी मांग हम नहीं कर रहे हैं, और वो अनुमति दे देंगे तो आज छत्तीसगढ़ में लगभग पिछले साल का 9.5 लाख मीट्रिक टन, इस साल का 1.5 लाख मीट्रिक टन चावल हमारे पास जो शेष है, हम उसका सदुपयोग कर पाएंगे और छत्तीसगढ़ के किसानों को आत्मनिर्भर बना पाएंगे। लेकिन पता नहीं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ इतना भेदभाव और उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। केवल परमिशन की हम बात कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता न चिट्ठी लिख सकते, न ट्वीट कर सकते, न मांग कर सकते, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में अगर छत्तीसगढ़ की सरकार, आदरणीय खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश जी ने केंद्र सरकार से मांग की कि हमको चावल पे आधारित एथेनॉल बनाने का अगर अनुमति दिया जाए, केवल अनुमति मांग रहे हैं, इसमें भी उनको आपत्ति है। इससे छत्तीसगढ़ के अभी हम लोग किसानों को जो धान खरीद रहे हैं, आने वाले समय में इसको और हम व्यापक रूप से खरीद सकते हैं। तो ये सारी हमारी जो योजनाएं हैं, लेकिन ये जो गोधन न्याय योजना है वो सीधा गरीबों से, वंचित वर्ग से जुड़ा हुआ है और किसानों का सीधा लाभ करने वाली योजना है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ छत्तीसगढ़ के आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी में सबसे मजबूत ताकत बनने वाली है ये योजना। छत्तीसगढ़ियों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है कि हम अपने त्यौहार को बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं, और इस मौसम का ये पहला त्यौहार है, इस वर्ष का पहला त्यौहार हरेली, जिसमें हम अपने कृषि औजार का पूजा करते हैं, गौ देवता का पूजा करते हैं, गौ माता का पूजा करते हैं, और अपने रीति रिवाज में जो भी हमारा गांव का कल्चर में गीत है, संगीत है, गिड़ी नाचा है, गुल्ली डंडा है, खो खो कबड्डी है, ये सभी का आयोजन करके अपने खुशी का इजहार करते हैं। आज ही के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए, यहाँ के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए एक बड़ा योजना का शुरुआत करने जा रहे हैं, गोधन योजना का, जिसमें जो पशुपालक हैं उनको अतिरिक्त आमदनी होगा, गोबर बेच करके लोग पैसा कमा पाएंगे। और इस तरह का जो योजना है, मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में पहला राज्य है जहां किसानों के लिए, गौपालकों के लिए इतना अच्छा योजना बना करके उनको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की कार्य योजना तैयार की है, और उसमें आज से लागू होने जा रहा है। तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को, हमारे किसान भाइयों को और छत्तीसगढ़ के माताएं बहनों को, सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं सबसे पहले तो हरी पर्व की सब बोला गाड़ो गाड़ा बधाई देवत हूं, और आज गोधन न्याय योजना के शुरुआत हुआ थे मुख्यमंत्री के निवास में, उद्घाटन कर रहे थे। बहुत बड़ी योजना है, पूरे प्रदेश के किसान मन, गरीब मन बहुत अब्बड़ खुश है कृषि योजना से, और सब ला बहुत फायदा मिली। जितका बोला था ना कि प्रधानमंत्री ये दिया थे वो दिया थे, अगर ये योजना जब चालू है, हो गए चालू, तो गरीब मन अब्बड़ बहुत अब्बड़ फायदा हुई गरीब मन ला, एक सेती बहुत बहुत मुख्यमंत्री ला बधाई। और योजना की हमारे सबकी जवाबदारी है कि योजना ला ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करके सब ला फायदा मिले किसानों के लिए, किसानों को भी बहुत फायदा मिले। किसानों के लिए तो वैसे भी मुख्यमंत्री जब से बने हैं तब से ज़्यादा चिंता किसानों की, सबसे ज़्यादा चिंता, और किसान मन अब्बड़ खुश है हमारे प्रदेश के, पूरे देश में, एक हमारे प्रदेश है छत्तीसगढ़, जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बने हैं, एक स्थिति यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार के कोई परेशानी नहीं है। आप देखना आर्थिक जो चला थे सब पूरे देश में, वहाँ से भी हमारे ऊपर गए, ऊपर चला था सब काम धाम, व्यापार सब बढ़िया चला थे, एक स्थिति में मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ बोला ठीक बोला, नहीं बोला हिंदी बोलूँ, छत्तीसगढ़ बोले ठीक, वैसा नहीं। गोधन न्याय योजना आज यहाँ मुख्यमंत्री निवास में इसका शुरुआत हो रही है, इसके लिए पूरे प्रदेशवासियों को भी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बड़ी योजना है जिसमें प्रदेश की जनता को बहुत लाभ मिलेगा, किसानों को लाभ मिलेगा, जो छोटे छोटे किसान हैं, दो दो गायें, दो दो भैंसी रखते हैं, उनको बहुत लाभ मिलेगा। और आज हरेली त्यौहार है, हरेली की भी बहुत बहुत पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। जी हाँ, आज हरेली का पर्व है जो
बेहद परंपरागत त्यौहार है हम लोगों का। इस त्यौहार को बड़े उत्साह से हम लोग मनाते हैं और आज से मुख्यमंत्री जी ने एक महत्वाकांक्षी जो उनकी योजना है, जो पूरे भारत में अपने आप में अनूठी योजना है और पूरे भारत में ये पहले क्रमांक पे आती है, जिसमें गोबर खरीदी की जाएगी और ग्रामीण जीवन का आर्थिक स्तर और कैसे रोजगार के नए अवसर, इन सारी संभावनाओं को लेकर के काम करने का अद्वितीय काम प्रारंभ किया है हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने। और आने वाले समय में जो उनकी परिकल्पना है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर मिले, ग्रामीण अंचल में आर्थिक विकास हो, उसमें ये गोबर की योजना जो आज हरेली के दिन से शुभारंभ जिसका हो रहा है, इसमें काफ़ी मदद मिलेगी और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, पूरा ग्राम्य जीवन इससे प्रभावित होने वाला है। और जिस तरह से मेरे से तमाम लोगों की बात हो रही है, लोग अपनी शुभकामना दे रहे हैं, भूपेश बघेल जी को अपनी शुभकामना देने के साथ साथ अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में हर्ष का वातावरण है। तो हम सभी लोगों की बहुत सारी शुभकामना और इस बात के लिए कटिबद्ध हैं हम लोग। जैसे मैं ग्रामोद्योग का अध्यक्ष हूँ तो मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं ग्रामीण अंचल के विकास की जो सर्वांगीण कल्पना, सर्वांगीण विकास की परिकल्पना आदरणीय भूपेश बघेल जी ने किया है, उसको सार्थक करने की दिशा में, उसको साकार करने की दिशा में अपनी महती भूमिका निभाऊं, क्योंकि वो जो सपना है उनका, वो सपना अनूठा है कि गांव में कम से कम रोजगार के अवसर मिले और उसके साथ में गांव का ग्रामीण जीवन ऐसा हो जिसमें अर्थव्यवस्था का उनको पूरा लाभ मिल सके इस गोबर योजना का। देखिए, किसानों के लिए जैसे ही भूपेश बघेल जी की सरकार आई तो सबसे पहले उन्होंने किसानों की कर्ज की माफ़ी किया, 9,750 करोड़ रुपए किसानों की कर्ज की माफ़ी किया। पूरे भारत में ये अकेला प्रदेश है जहां पर हम 2500 रुपए में धान खरीदी कर रहे हैं और उसका लाभ ये हुआ कि पहली किस्त के रूप में राजीव गांधी न्याय योजना की पहली किस्त के रूप में हमने 1500 रुपए दिया है, दूसरी किस्त हम अगस्त में देने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य कुल मिला के ये है कि गांव में किसानों का जीवन स्तर मजबूत हो और उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, क्योंकि गांव में जब जीवन स्तर सुधरा तो उसका सुपरिणाम ये हुआ कि पूरे बाजार में हरियाली दिखी। मैं आपको अगर उदाहरण देना चाहूँ कि जयपुर के बाद में सबसे पहला स्थान था रायपुर का, जहाँ 27,000 मोटरसाइकिल की बिक्री अकेले जून के महीने में हुई। जयपुर के बाद में ये अकेला रायपुर है जहाँ पर 3,000 ट्रैक्टर की खरीदी एक महीने में छत्तीसगढ़ में हुई। और उसके पीछे एक कारण ये है कि जब किसानों के पास पैसा आया तो वो पैसा बाजार में आया, जब सरप्लस पैसा रहा किसान का तो वो बाजार में आया। और पूरे भारत में आपको मंदी का दौर दिखाई देगा, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कोई मंदी नहीं है, बाजार में हरियाली है। और अगर ये दुष्ट कोरोना नहीं आ गया रहता तो आप देखते कि छत्तीसगढ़ का कैसा जबरदस्त विकास होता आज कई मामलों में। जैसे तेंदुपत्ते में हम 2500 से बढ़ा करके 4000 रुपये तेंदुपत्ते का समर्थन मूल्य दे रहे हैं। हम 17 रुपये जो महुआ में मिला करता था आदिवासी भाइयों को, उसको बढ़ा करके 30 रुपये दे रहे हैं। तो जो लंबी चौड़ी योजना गांव के विकास को लेकर के, क्योंकि गांव का विकास होगा तो शहरों का विकास होगा। इंडस्ट्री में आपको हरियाली इसलिए दिख रही है क्योंकि गांव के लोग खुशहाल होकर के काम करने आ रहे हैं। तो एक सर्वांगीण विकास की परिकल्पना जो भूपेश बघेल जी ने देखी है, उसको साकार करने की दिशा में शासन प्रशासन पूरी तरह से चुस्त है। और ये अनूठा अभिनव प्रयास जो उन्होंने किया है पूरे हिंदुस्तान में, ये इकलौता है जिसका सुपरिणाम हम लोगों को सड़कों पर दिखाई दे रहा है। हरेली तिहार के जम्मो प्रदेशवासी भाई बहनी मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवा था। और आप मन पर आज गोधन न्याय योजना के जिन शुरुआत ला हमार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी करे थे, कृषि मंत्री जी करे थे, देन बहुत ही भविष्य में आंदोलनकारी योजना हवे। ये चीज ला आप मन ला समझ लागी कोनो कहीं का है। यदि आपके घर के गरुआ के फिकर हमार मुख्यमंत्री जी करे थे तो एमा ये चीज देखाओ कि गरुआ मन के सकला भी हो ही। 2 रुपया किलो में उकर गोबर खरीदी, एक दिन के गोबर
यदि 10 किलो भी होत है एक गाय के पीछू तो 20 रुपया एक गाय के पीछू गोबर से कमाहूँ। वो गोबर जब गौठान में जाही तो गौठान में जिन वर्मी कंपोस्ट बनी तेन वर्मी कंपोस्ट ला 8 रुपये किलो में सरकार फिर खरीदी और ये वर्मी कंपोस्ट से आपन के खेती के सुधार होही। जिन जहरीला केमिकल रसायन ला डाल करके अभी तक धान दाल तिलहन जिन भी उगावत रहे हो तेमा कहूँ ना कहूँ स्वास्थ्य के नुकसान होत रही से और ये योजना के माध्यम से कई ठीक फायदा होने वाला है। वर्मी कंपोस्ट से जब खेती होही तो ऑर्गेनिक खेती होही और ऑर्गेनिक खेती से जिन आमदनी आप मन के होही तेन तो अलग है पर पूरा प्रदेश के स्वास्थ्य सुधरी और हमार छत्तीसगढ़ के एक नवा भविष्य बनी हमार लइका मन पर एक नवा भविष्य बनी कि पूरा ऑर्गेनिक स्टेट बनी और पूरा विश्व में एकमात्र ये राज्य है जहाँ गाँव के गाय के गोबर खरीदे जाते तो एकर पीछू जन भाव होवे कि हमार गौ वंश के संरक्षण हुए जिन सड़क में निकलत रही से गाय गरुआ है देकर सकला हुए और एकर माध्यम से जिन छत्तीसगढ़ सरकार के नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जिन छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी ये योजना ला और दूसरा कदम में आगे बढ़ाए के दिशा में सरकार है प्रयास करी से एकर बर जतका सरकार के धन्यवाद दे जाए तेन कम हबे। मैं पूरा माननीय भूपेश बघेल जी के पूरा मंत्रिमंडल ला और पूरा सरकार के सब भाई महिनी मन ला बधाई देवा था अतेक सुखर और अतेक सुंदर योजना ला लानी से एकर माध्यम से हमार गांव गरीब और किसान के उन्नति के दिशा में प्रयास हुआ थे देकर भर में सब ला बहुत बहुत बधाई देवा था। जय जोहार। से पहली हरेली त्यौहार जो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन के पहली त्यौहार है आज से शुरुआत होते हो कल लिए पूरा प्रदेश के जनता ला बहुत बहुत गाढ़ा गाढ़ा बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। और आज ऐसे लगा थे छत्तीसगढ़ में हमारे ग्राम स्वराज के सपना पूरा हुआ है। महात्मा गांधी जी जोन सपना देख रही से हमारे छत्तीसगढ़ के जो पुराना कमैया मन है चंद्रलाल चंद्राकर जी खूबचंद बघेल जी मिनी माता जी ऐसे हमारे जो छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए जो सपना देखे रही ने आज वो सपना पूरा हुआ थे ऐसे दिखाते हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे छत्तीसगढ़िया संस्कृति ले आगे बढ़ाए के और छत्तीसगढ़ के लोगन के विकास के लिए जो काम करते हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसे देखे पर जाते कि हमारे छत्तीसगढ़ विकास के रास्ता में आगे बढ़ते और किसान मन के सबसे बड़े काम आज किसान मल्ला सम्मान दे के काम जो करते तो हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करते।